तो हे गाइस, कैसे हो सभी। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार आपका इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा डेटा यूज करता है, तो आप लोग उसको कैसे बचा सकते हो, कैसे जो है तो उसकी जो तो यूजेज को कम कर सकते हो। ऑल वन टू जेड सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप लोग कौन सी ऐसी सेटिंग्स कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, जिससे आपका जो है तो डेटा पूरी तरह से बच जाए, इंस्टाग्राम आपका ज़्यादा डेटा ना यूज़ करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गेट सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हमारी जो पहली सेटिंग गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, आपको इस तरह से टाइट प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऐप इन्फो का, आपको सिंपली से उस पर चले जाना है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज दैट, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डेटा यूजेज डिटेल्स का, आपके में डेटा यूजेज और कुछ और करके भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से टैप करना है इसको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल आपका जो यूजेज है आपको दिखाएगा, यहाँ पे टोटल इतना, फोरग्राउंड में इतना, बैकग्राउंड में इतना। तो देख सकते हो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिया रहेगा बैकग्राउंड डेटा करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे बैकग्राउंड डेटा वाला ऑप्शन अगर ये इस तरह से ऑन रहेगा ना, तो आपको इसको सिंपली से इस तरह से ऑफ कर देना है। इसको इस तरह से ऑफ कर देने में गाइस क्या होगा कि आपका जो इंस्टाग्राम है, जब भी आप इसे आपको नहीं इस्तेमाल करेंगे, मान के चलिए आपने इसको ऐसे करके काट दिया, आप कोई और ऐप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, जो भी नया जो किसी ने फोटो अपलोड किया, कुछ भी नया वीडियो आया, तो वो उसको डायरेक्ट लोड कर देगा पहले से, ताकि जब आप उसको टैप करो तो आपको पहले से दिखाई दे जाए। लेकिन अगर आप लोग बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर दोगे तो गाइस क्या होगा कि ये अपने आप ये काम नहीं करेगा, जब आप इसको टैप करोगे, उस वीडियो को टैप करोगे, तब वो वीडियो या फिर फोटो लोड होगी, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा डेटा बच जाएगा। सेकेंड सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से इंस्टाग्राम में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जो तो आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन है ना, आपको सिंपली से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जो थ्री लाइन दिखेगी साइड में, आपको सिंपली से इसको टैप करना है इस तरह से। टैप करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेटिंग्स का, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का, आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सेल्युलर डेटा यूजेस का, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली से टैप करके यहाँ पे एक ऑप्शन देगा जो है तो डेटा सेवर वाला, आपको इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी जो वीडियोस वगैरह आपने देखी होगी वो हमेशा जो है तो हाई क्वालिटी में अपने आप मतलब लोड हो जाती है, लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग जब उस वीडियो को टैप करोगे तभी वो वीडियो लोड होगी, ठीक है। इससे आपका बहुत ज़्यादा डेटा बचेगा। नहीं, मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा डेटा खा लेते हैं इस तरह के जो है तो सेटिंग पर, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से बैक जाना है। इसके बाद बैक जाते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओरिजिनल पोस्ट का, आपको इसको टैप करना है। और यहाँ पे जो सेव पोस्टेड फोटोज वाला ऑप्शन है और सेव पोस्टेड वीडियोस वाला ऑप्शन है, इनको और यहाँ पे जो इस पर एक सेव ओरिजिनल पोस्ट वाला ऑप्शन है, इसको सिंपली से ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग कभी इंस्टाग्राम में कोई फोटो अपलोड करते हो तो आपने देखा होगा कि एक फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है अलग से आपके फ़ोन में, जिससे आपका बहुत ज़्यादा डेटा यूज हो जाता है। मान के चलो अगर 30 MB की फोटो है तो 30 MB आपके फ़ोन में जो है तो फोटो फिर से सेव हो जाएगी, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा खाता है, तो आपको इसको सिंपली से ऑफ कर देना है। तो यार उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज के बाद आपका डेटा बच जाएगा और आपका बहुत डेटा यूज़ नहीं होगा, इंस्टाग्राम बहुत कम डेटा खाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड के पास वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।